YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। दर्शकों, हम आपको ये ज्ञात करवा दें, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। इसी को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। हर तरफ बस चुनावी बातें और दूसरी तरफ कैंडिडेट्स जनता को लुभाने में लगे हैं। इसी के साथ आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 में इंदु सिंह के घर। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि ये जीतने के बाद क्या क्या करेंगे और लोगों को क्या क्या आश्वासन दे रही है और अन्य जानकारियाँ सब हम आपको देंगे। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार। पंचायत में 7 साल से मुखिया हूँ और हमारे बहुत सारे जनता लोग जो हैं, हमारे भाई बहन परिवार हैं, उनको आज के डेट में मैं जनता नहीं समझती, अपने परिवार समझती हूँ। और जो 7 साल से सभी का मैंने समझिए कि जिसका जिसका BPL था, उन लोग का सभी को मतलब इंदिरा आवास बना है और हमारे पंचायत में शौचालय भी ढेर सारा बना है। सड़क भी मतलब हम सोच रहे हैं कि 10 मतलब जरूर बना होगा। नाली है, जिस सबसे ज़्यादा मेरे पंचायत में नाली का प्रॉब्लम था तो नाली सफाई करवा करके सगम नदी को मैं बनाई। और इसके बाद पानी का भी मतलब पेयजल का हमारे पंचायत में दिक्कत था, तो मैं वीडियो साहब से भी बताए थे कि मेरे पंचायत में पेयजल का बहुत दिक्कत है, तो उसके लिए हम लोग को जो पेयजल का पैसा मिला उससे मैं 15 को चपा कर गाड़ी अपने पंचायत में ऐसा जगह जहाँ की पानी का कोई समस्या नहीं है। और मैं वार्ड में 16 नंबर वार्ड से मैं वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हुई। आप कहाँ कहाँ दौरा कर रही हैं अभी? तो मतलब हम अपने पंचायत में 16 नंबर से हैं, तो आरसीलैक केयर से उठा करके समझिए कि आगे रांची रोड जो अथी है रामा चौक है वहाँ तक हम अभी दौरा किए हैं। फिर इसके बाद एक दिन गए थे तो रेलवे स्टेशन से इधर रेलवे कॉलोनी है उधर भी मैं गई थी। आज भी मैं तैयार हूँ जाने के लिए। मैम बताइए, आप दौरा करने के दौरान लोग आपसे क्या क्या आपके सामने समस्या रख रहे हैं? दौरा करने के बाद जो हमारे सुचिंतक लोग भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनको सहयोग कर रही हूँ। उन लोग के मुँह से यही मतलब सुनते हैं कि आप तो 7 साल मुखिया रह चुकी हैं और आपको पहचानने का जरूरत नहीं, हम लोग तो सभी को पहचान रहे हैं। आज करीब करीब हम समझते हैं कि 40-50 वर्ष से हम करते हैं रामा में रह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद ही कोई ऐसा लोग होगा जो बहू होगी बेटी होगी जो बाहर नहीं निकलती है, वह लोग हमको नहीं पहचानते हैं, बाकी सभी लोग पहचानते हैं और सभी लोग मान सम्मान हमको देते हैं और हम भी सभी को मान सम्मान देते हैं। तो आप वार्ड जनता 16 के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों को यही देना चाहती हूँ और देती भी हूँ कि 7 साल से मैं मुखिया हूँ, आप मेरे पंचायत में घूम करके देख लीजिए कि कौन कौन काम हुआ है। आप थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, पंचायत में घूमेंगे तभी तो आपको काम दिखेगी। उसी तरह मैं अथी वार्ड में खड़ी हूँ, जो जो समस्या मेरे पास आएगा, सड़क का, नाली का, पानी का, कचरा का, जो भी समस्या आएगा मतलब हम सोचेंगे कि सभी को हम जो हमारे बस का। तो सुना दर्शकों, इंदु सिंह की राय, इनका कहना है लोग इन पे बहुत भरोसा कर रहे हैं और इनके वार्ड में समस्या भी काफ़ी है और सारे समस्याओं से उभारेंगी हमारे जनता को। अब तो दर्शकों सिर्फ आपको चूज़ करना है कि किसे वोट करें और आप अपना वोट सोच समझ कर दें और बटन सोच समझ के दबाएं, क्योंकि एक एक वोट की कीमत बहुत होती है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी अनसक्स के साथ। मैं दीप्ति अग्रवाल, कैमरा पर्सन बबली के साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़, यानी खबर की तह तक। धन्यवाद।